नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कड़कड़ाती ठंड में कंबल पाकर जरूरतमंद बोले, जाड़े में ठिठुरन से बच गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सामाजिक संस्था राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद ने जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया, जिससे कपकपाती ठंड में फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले लोगों को काफी राहत महसूस हुई। अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि संस्था के सदस्य राहत सामग्री और कंबल लेकर बेघर लोगों के बीच पहुंचे, जहां उन्हें कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर बुजुर्ग महिलाएं भावुक हो गई और उन्होंने संस्था के सदस्यों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद ने सड़क किनारे जीवन यापन करने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए देवदूत बनकर आए, जहां उन्होंने लोगों को कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए कंबल और गर्म कपड़े दिए। अंकित शुक्ला ने बताया कि शीतलहर और सर्द हवाओं का असर सबसे ज्यादा फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले लोगों पर पड़ता है, जिनके पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं है। संस्था की तरफ से ऐसे लोग को कंबल वितरण किया गया। कंबल का वितरण शहर के आसपास रहने वाले लोगों के बीच हुआ। कंबल पाकर तमाम जरूरतमंदों ने संस्था को धन्यवाद दिया। ठंड की शुरुआत में उन्हें शीतलहर से बचने के लिए अब कंबल की जरूरत पड़ रही थी, ऐसे में संस्था के लोग राहत सामग्री लेकर पहुंचे। अंकित शुक्ला ने बताया कि कंबल का वितरण अभी जारी रहेगा। जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए संस्था के सदस्य उनके पास पहुंचेंगे। इसके लिए संस्था ओड़ा दो जिंदगी अभियान चला रही है। कंबल का वितरण मणिकापुर, मंगतखेड़ा, काथा, महीपत खेड़ा आदि स्थानों पर किया गया। स्कूली बच्चों की भी हो रही मदद। अंकित शुक्ला ने बताया कि संस्था गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कार्य कर रही है। सर्दी के कारण तमाम बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, उन बच्चों को गर्म कपड़े का भी वितरण किया गया। इस मौके पर मोहित शुक्ला, अजीत नंदू, अश्विनी, सोनू सहित अन्य लोग मौजूद थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर